डब्ल्यूपीएल का दूसरा दिन है, पहला मैच हो चुका है और दूसरे दिन डबल हेडर है, मतलब आज मैचेस की डबल डोज है। दो मैच हैं जिसमें पहला मैच है आरसीबी वर्सेस डीसी का, जो अपना इस सीजन या ये कहिए कि डब्ल्यूपीएल हिस्ट्री का पहला मैच खेलेंगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स मिलने जा रही हैं ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में। पिच कैसी होगी? पहला मैच डीवाई पाटिल पे हुआ, मैदान बदला है, बाकी टेम्पलेट नहीं बदलेगा, मतलब कि संभावना यही है कि यहां भी हाई स्कोरिंग गेम्स जैसे होते रहे हैं वैसा ही होगा। बल्लेबाजों की चांदी चांदी और चांदी होगी और इनिशियली शायद थोड़ा बहुत स्विंग भी पेसर्स को मिल जाए। ये कहानी ब्रेबोर्न पे पिच और ग्राउंड की रहने जा रही है। वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूं, प्लेइंग 11 की चर्चा कर लेते हैं। आरसीबी जो इस सीजन टीम लेकर आई है, आपको याद होगा ऑक्शन में किस तरीके की आग लगाई थी आरसीबी ने, सभी बड़े प्लेयर्स को लेते हुए जा रहे थे, उसी के नतीजे में बहुत अच्छी टीम आरसीबी ने बना ली है। प्लेइंग 11 पे चर्चा करते हैं उनके स्किल के साथ और कौन कहां बैटिंग करेगा, कौन कहां गेंदबाजी करेगा, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। प्लेइंग 11 देखिएगा, कप्तान स्मृति मंधना करेंगी ओपनिंग, सबको पता है लेफ्ट हैंडेड बैटर है, फॉर्म इनके साथ है, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। उनके बाद सोफी डिवाइन, संभावना यह है कि इनके साथ करेंगी ओपन, लेकिन एक यहां पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट यह है कि आरसीबी जो अपने चार विदेशी खिलाड़ी खिला रहा है वो कौन है? वो है सोफी डिवाइन, एलिसा पैरी, डेन वैन निकर्क और मेगन सूट। मेगन सूट जरूर खेलेंगी, पैरी जरूर खेलेंगी, निकर्क, डिवाइन और इंग्लैंड कैप्टन हीथर नाइट भी है इस टीम में, इन टीम में से कोई दो खेलेंगी। कौन बाहर हो सकता है अब इस केस में? देखिए हीथर नाइट का केस ये है कि बहुत अच्छी फॉर्म में है और बहुत अच्छी प्लेयर है, प्रेशर सिचुएशंस अच्छे से खेलती है, कैप्टन है, तो वो मेंटेलिटी भी वहां है। सोफी डिवाइन का जो T20 वर्ल्ड कप गया वो पुअर गया है, एक अच्छी पारी के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं और गेंदबाजी कर नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं उनका गेम कवर हो जाता है कम। इन दैट केस हो सकता है कि सोफी डिवाइन ना खेलें, हीथर नाइट खेलें और ओपनिंग एलिसा पैरी से करा दें या फिर किसी और से करा दें। ऑप्शंस की कमी इनके पास बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शंस पे ऑप्शंस इनके पास है, तो ये एक ट्विस्ट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इस मैच में सोफी डिवाइन ओपनिंग करेंगी स्मृति मंधना के साथ, जो कि राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म पेसर है। तीन नंबर पे एक और ऑलराउंडर वर्ल्ड क्रिकेट की एलिसा पैरी, कौन उनका फैन नहीं है, ये भी राइट हैंडेड बैट और राइट आर्म पेसर, मतलब डिवाइन और पैरी दोनों टॉप टू अगर मैं कहूं पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, तो मारिजाना कैप के साथ ही तीन दोनों आ जाती हैं टॉप थ्री में, तो ये दोनों हो गई। फिर डेन वैन निकर्क जो कि क्या है, लेफ्ट हैंडेड बैट है और लेग स्पिन गेंदबाजी करती हैं ये, सॉरी राइट हैंडेड बैट और लेग स्पिन गेंदबाजी करती हैं, तो चार नंबर डेन वैन निकर्क खेलेंगी। कुछ 18 सेकंड की कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी हमको याद है, जिसकी वजह से ये T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाई थी। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना जलवा बिखेरने के लिए और सेलेक्टर्स को जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार होंगी। तो डेन वैन निकर्क एट फोर, पांच नंबर ऋचा घोष, करंट फॉर्म बड़ी शानदार है ऋचा घोष की, बहुत लाजवाब फॉर्म से ऋचा घोष गुजर रही है। छह नंबर पूनम खेमरा, ये वो प्लेयर है जो इस सीजन बहुत बड़ा नाम बना सकती है, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स की सब चर्चा कर रहे हैं, जो बाहर से खिलाड़ी आए उनकी सब चर्चा कर रहे हैं, इंडियन डोमेस्टिक टैलेंट में जो बड़े नाम बनेंगे इस सीजन, पूनम खेमनार उनमें से एक हैं। बहुत अच्छी बैटिंग और बहुत अच्छी बॉलिंग करती हैं, वो भी क्या स्किल है इनका कि राइट हैंडेड बैटर हैं और लेग स्पिन कराती हैं, ठीक है। देन आ जाती हैं फिर आपका श्रेयंका पाटिल, ऑफ स्पिनर हैं, फिर बैटिंग भी कर लेती हैं लोअर डाउन द ऑर्डर। कनिका आहूजा एक और ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म बैटर हैं ये फर्क है श्रेयंका पाटिल और कनिका आहूजा में। फिर इसके बाद आशा सोबाना, लेग स्पिनर है ये भी, मतलब लेग स्पिनर्स की इस टीम में भरमार है, डेन वैन निकर्क हैं, पूनम खेमनार हैं और आशा सोबाना है, तो विकेट टेकिंग ऑप्शंस की कमी इस टीम में बिल्कुल भी नहीं है। फिर मेगन सूट है राइट आर्म पेसर और रेणुका ठाकुर, तो पेस में भी क्वालिटी है, जहां रेणुका ठाकुर मेगन सूट एक टीम में हो और उनको सपोर्ट करने के लिए डिवाइन हो, उनको सपोर्ट करने के लिए पैरी हो, तो आप समझ सकते हैं कि टीम में गहराई क्या होगी। बॉलिंग ऑप्शंस की बात करूं, नौ बॉलिंग ऑप्शन, पता नहीं क्या हो रहा है कि हर टीम में 8-9 बॉलिंग ऑप्शन बन जा रहे हैं यार, ऑलराउंडर्स की भरमार है, इसलिए डोमेस्टिक से भी जो खरीदे वो ऑलराउंडर्स, बाहर से भी जो खरीदे वो ऑलराउंडर्स,
तो हर टीम में इतनी गहराई है कि बेहद, जिसे हम कह सकते हैं, हाँ बैटिंग में जरूर 6-7 नंबर तक है, उसके बाद थोड़ा सा बैटिंग कमजोर है, लेकिन मेकअप हो जाएगा क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत जबरदस्त है इनका और बॉलिंग ऑप्शन है। तो आरसीबी की कहानी होगी कहानी अब दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग शेफाली वर्मा करेंगी, सबको पता है राइट आर्म बैटर हैं और आजकल ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करने लगी हैं, तो जब जब जरूरत पड़ेगी इनका यूज किया जा सकता है एक ओवर दो ओवर स्पेल के लिए। मैग लैनिंग जो कि कप्तान है, राइट आर्म राइट हैंडेड बैटर है, सबको पता है। 3 नंबर एलिसा कैप्सी के खेलने की संभावना है, हालांकि यहाँ पे डिबेट है, कह रहे हैं ये खेलेगी वो खेलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 नंबर पे अगर आप दिल्ली बड़ी प्लानिंग के लिए जा रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जा रहा है, तो एलिसा कैप्सी को खिलाना चाहिए। और राइट हैंडेड बैट और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करती है, द 100 में यही करती हैं, बिग बैश में जब खेली हैं तो यही करती हैं, और इंग्लैंड के लिए भी 3 नंबर खेलती हैं, अभी वर्ल्ड कप में 3 नंबर खेल रही थी। मुझे लग रहा है एलिसा कैप्सी 3 नंबर पर बिल्कुल फिट करती हैं। तो एलिसा कैप्सी राइट हैंडेड बैटर और ऑफ स्पिन। फिर 4 नंबर जेमी रॉड्रिग्स, हालांकि लोग कह रहे हैं कि इनको 3 नंबर खिलाना चाहिए, एलिसा कैप्सी को 4 पे भेज दिया जाए या एलिसा 3 मैग लैनिंग 4, वो हो सकता है, लेकिन टॉप 4 यही रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत पोजीशंस की हो सकती है, राइट हैंड बैटर होगी। फिर मारिजन कैप 5 नंबर पे बिल्कुल फिट इन होती है, एज ए बैटर और राइट आर्म पेसर है, पूरे 4 ओवर डालेंगी, सबको पता है। फिर तानिया भाटिया विकेट कीपर। तानिया भाटिया का केस ये है कि आरसीबी के पास जो, सॉरी डीसी के पास जो विकेट कीपर्स हैं, तानिया इनमें बेस्ट है दोनों में, लेकिन बैटिंग तानिया की क्या है कि उस लेवल की नहीं है, उस लेवल से इन द सेंस कि जब आप, जब इंडिया के लिए तानिया खेलती थी तो ओपन भी इनसे कराया जाता था T20 में, और रीजन ये था कि तानिया जो 30 यार्ड की लिमिट होती है, पावर प्ले जो होती है, उसका अच्छा यूज कर लेती थी। अब यहाँ टॉप ऑर्डर में जगह मिल नहीं रही है तानिया को, और अगर आप मिल रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, अगर आप इनको ओपन भेज रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। 6 नंबर पे वो कहीं फिट इन नहीं होती है, लेकिन चूंकि आपको विकेट कीपर चाहिए तो तानिया यहाँ पे 6 नंबर खेलेंगी। 7 नंबर जेस जोनासन, ऐसा भी हो सकता है कि जेस जोनासन आपको ऊपर दिखे और तानिया उनसे नीचे, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं और लेफ्ट आर्म और थोड़ा एक्स स्पिन है। फिर राधा यादव है राइट हैंडेड बैट और ऑफ स्पिन। फिर शिखा पांडे हैं राइट हैंडेड बैट और पेसर हैं। और उसके बाद अरुंधति रेड्डी, बहुत इंडिया के लिए भी खेल चुकी हैं, डोमेस्टिक में बड़ा नाम है, अनुभवी खिलाड़ी हैं, राइट हैंडेड बैटर राइट आर्म पेसर। और फिर है पूनम यादव, हम तो इनको भूल ही गए, लेकिन WPL वालों को याद है यार क्या प्लेयर थी मिताली राज की, तो गोल्डन आर्म हुआ करती थी, जब चाहो विकेट निकाल के दे देती थी, बहुत शानदार लेग स्पिनर है, रेलवे के लिए बड़े लंबे टाइम से खेली है, और राइट हैंडेड से बैटिंग है, लेकिन बैटिंग से इतना स्ट्रांग नहीं है, बट शी इज द लेग स्पिनर और विकेट टेकिंग ऑप्शन है, बड़ी बात यह है। तो ये होगी प्लेयर्स की बात, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की बात। आगे आगे क्या, आगे चलते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स पे, गेम कवर के हिसाब से किन प्लेयर्स का गेम कवर अच्छा रहेगा, वैल्यू क्यों उनकी ज्यादा है। देखें एलिसा पेरी क्यों, बैटिंग एट 3 B3 आपको दिख रहा होगा, लिखना मतलब बैटिंग एट 3 प्लस 2 ओवर, कम से कम एलिसा पैरी नई गेंद से डालेंगी, इनिशियली अगर स्विंग मिली तो विकेट भी चटका सकती हैं, तो एलिसा पैरी होगी। डेनवन निकर्क बैटिंग एट 4, 2 से 4 ओवर का स्पेल जरूर आएगा। अब चूंकि आपके मल्टीपल ऑप्शन है ना बॉलिंग में, तो होगा ये कि जो प्लेयर्स है उनको 2-2 ओवर के स्पेल दिए जाएंगे, जिसका 2 ओवर का स्पेल अच्छा जाएगा उसको 4 ओवर का कोटा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके 2 ओवर खराब गए फिर भी 4 आपको मिल जाए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, और जब ऑप्शन है तो आप उनका यूज भी करेंगे। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 7-8 7-8 बॉलिंग ऑप्शन हर मैच में आपको यूज होते दिखेंगे, एटलीस्ट 7 तो जरूर दिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये कहानी होगी ऋचा घोष, बैटिंग एट 5 प्लस विकेट कीपर, बहुत शानदार फॉर्म है, रिसेंटली अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल के आई, बहुत वहां अच्छा खेली, उसी कॉन्फिडेंस को लेकर T20 वर्ल्ड कप में गई, वहां अच्छा खेली, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति मंधना ओपनिंग करेंगी प्लस फॉर्म इनके साथ है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। मार्जन कैप 4 ओवर पूरे डालेंगे, 2 पावर प्ले में 2 डेथ में, प्लस उसके बाद फिर 4 नंबर बैटिंग करेंगी, 5 नंबर बैटिंग करेंगे। एलिसा कैप्सी 3 नंबर बैटिंग 2 ओवर की बॉलिंग। मैग लैनिंग 3 नंबर बैटिंग प्लस फॉर्म इनके साथ है। शेफाली वर्मा बैटिंग ओपनिंग करेंगी, 2 ओवर का स्पेल आ सकता है, लेकिन संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि ये अपनी टीम की मेरे ख्याल 8वीं या 7वीं गेंदबाज रहेंगी, तो 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2 ओवर का स्पेल आएगा, या अदाकदा विकेट लेंगी, इस तरीके का शेफाली का रहेगा गेंदबाजी की सफर। अब एक बात मैं भूल गया, और मुझे कल ही एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं उनकी बात पे आ जाता हूँ फिर से, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा था कि आप हमें ये बताइए कि दोनों टीमों से पावर प्ले में गेंदबाजी कौन करेगा और डेथ में गेंदबाजी कौन करेगा, तो देख लेते हैं। आरसीबी के लिए जो पावर प्ले बॉलर्स है वो है मेगन सूट, रेणुका ठाकुर और एलिस पैरी। मुझे ऐसा लगता है कि एलिस पैरी और रेणुका सिंह ठाकुर ओपनिंग करेंगी गेंदबाजी की, और मेगन सूट देन
मतलब टॉप सिक्स जो पहले 6 ओवर बनेंगे उनमें 2 मेगन सूट, 2 एलिस पैरी और 2 रेणुका सिंह ठाकुर। इस तरीके से तो पावर प्ले घटेगा। जब डेथ की बात आएगी, डेथ बॉलिंग की बात आएगी, तो वहां मेगन सूट के 2 ओवर आएंगे, वहां पे रेणुका सिंह ठाकुर का 1 ओवर आएगा, और 1 ओवर जो है वहां आएगा आपका एलिस पैरी से। या आजकल एक नया ट्रेंड वुमेन क्रिकेट में चला है कि स्पिनर जो होता है आपका उसको डेथ बॉलिंग देते हैं, तो वहां डेन वन निकल के 1 ओवर लेकर आ सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली का जो पावर प्ले और डेथ की बात है, तो दिल्ली के लिए जो पावर प्ले में गेंदबाजी करती मुझे दिख रही है वो दिख रही है शिखा पांडे और अरुंधति रेड्डी। ये 2 गेंदबाज हैं, तो पहले 2 2 ओवर डालेंगे और हमारी जाना कैप। ये 3 2 2 2 का एक स्पेल लेकर आएंगी, 6 ओवर मारी जाना कैप, शिखा पांडे अरुंधति रेड्डी के साथ जाएंगे। डेथ में जब बात आएगी 2 शिखा पांडे के, 2 मारिजन कैप के, और उनके साथ पूनम यादव, मतलब जो 14 से या कहिए 15 से 20 जाएगा उसमें मारिजन कैप और आपका पूनम यादव और शिखा पांडे आपको देखेंगे। तो ये दिल्ली का डेथ बॉलिंग अटैक होगा। अब आ जाते हैं टीम पे, टीम क्या होने जा रही है, लेकिन उससे पहले टीम आपको खेलने का है, ट्राई कहाँ करनी है। तो दोस्तों आपको खेलना विजन 11 ऐप पर, बड़ा शानदार ऐप है, डिपॉजिट ऑफर हर डे इस पे आई रहे, उसके अलावा बोनस के बहुत अच्छे उपयोग हैं, वैलिड ऐप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेके डिपॉजिट से और विड्रॉल तक, और भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्टेस्ट है, खेलिए और खिलाइए अपने यार दोस्तों को भी, अभी ज्वाइन करिएगा। जब ज्वाइन करें तो मेरा रेफरल कोड एमएस राघव डालना ना भूलें, या जो नीचे पिंड कमेंट दिया है इस वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में, उस पर क्लिक करके भी सीधा ज्वाइन आप कर सकते हैं। अन्यथा विजन 11 ऐप, विजन 11 सर्च कीजिए गूगल पे, वहां से डाउनलोड करिए और साइन अप करते समय मेरा रेफरल कोड एमएस राघव डाल दीजिए। स्मॉल लीग टीम, ग्रैंड लीग की वीडियो हर मैच की अलग आ रही है आपको पता है, तो इसलिए वो वीडियो भी देखना ना भूलें। 6 ग्रैंड लीग टीम में दे रहा हूं उस वीडियो में अवश्य अवश्य अवश्य, ठीक है। तो देखिए ग्रैंड स्मॉल लीग टीम में सबसे पहले कॉमन प्लेयर्स, जो ये टीम एक तो ये समझिए कि 1 से लेकर 4 मेंबर तक के कॉन्टेस्ट के लिए है, और जो प्लेयर अमूमन सभी टीम में कॉमन होंगे वो देख लेते हैं एक बार। ऋचा घोष सबकी विकेट कीपर रहेंगी, क्योंकि जो ऑप्शन है ऋचा घोष है, इंद्रानी रॉय, अर्पिता मंडल है और तानिया भाटिया है, मुझे लगता है कि ऋचा घोष के आसपास भी कोई नहीं आती। हालांकि इंद्रानी रॉय बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन चूंकि बड़ा नाम नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे आई नहीं है और प्लेइंग 11 में अभी संभावना कम है खेलने की, इसलिए उनका सिलेक्शन परसेंटेज डाउन है, तो ऋचा घोष हो गई। फिर बैटिंग में स्मृति मंदना, जेमिमा रॉड्रिक्स और मैग लैनिंग मोस्ट सेलेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट हर कोई लेकर आएगा इनको। स्मृति और लैनिंग तो सबकी टीम में मिलेंगी, रॉड्रिक्स भी आप ये मानिए कि आपके 80% ओपोनेंट लेके ही आएंगे। 3 ऑलराउंडर पैरी कैप और सफाली वर्मा को हर कोई लेकर आ रहा है, तो वहीं मेगन सूट भी आपके ऑपोजिशन की टीम में मिलेंगी। तो ये वो 8 प्लेयर हैं जो ऑलमोस्ट आपके सभी ओपोजिशन, या कहिए कि आपके जो ऑपोजिट टीम्स हैं वो लेकर आएंगी। अब हमें 3 प्लेयर इसमें ऐसे डालने हैं जो एक्स फैक्टर हमारे साबित हों, जो हमें विनिंग की तरफ ले जाए, तो कौन से वो 3 प्लेयर हैं देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि टॉस के बाद फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। और लिंक टेलीग्राम का वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, क्लिक करिए उस लिंक पे और सीधा जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल से। ऐसा नहीं कर पा रहे तो सीधे जाइए टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाके क्रिकेटोलॉजी सर्च कीजिए, ढेरों चैनल देखेंगे, उसमें से अपना वाला चैनल फिल्टर कर लीजिए जिसकी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फेक और फ्रॉड चैनल से बचें, मेरे नाम पे जबरदस्त ठगी का दौर चल रहा है, बचें बचें औरों को भी बचाएं, सही और जायज चैनल ही ज्वाइन करें अपनी सलामती के लिए। चलते हैं आगे, चले तो अब सबसे पहले देखिए जो टीम कॉम्पोजिशन है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 3 बैटर मेरे लिए पर्याप्त है। तो मैंने विकेट कीपर 1, 3 बैटर से छेड़ा नहीं, 4th ऑलराउंडर ली डैन वैन निकर्क। ऑलराउंडर सेक्शन में ऑप्शंस आपके पास हैं, बॉलिंग सेक्शन में आपके पास है, बैटिंग में भी आप एलिसा कैप्सी की तरफ देख सकते हैं, लेकिन डैन वैन निकर्क चूंकि लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर T20 में ये समझिए लग्जरी होता है, 4 नंबर में बैटिंग है और फायर बहुत ज्यादा है फिलहाल, क्योंकि वर्ल्ड कप सिनब से बड़ी कह सकते हैं ना, कहते हैं खून खोल रहा है वैसी वाली है, तो बड़ी परफॉर्मेंसेस डैन वैन निकर्क के बल्ले बॉल दोनों से आ सकती हैं, इसलिए डैन वैन निकर्क मेरी 4th ऑलराउंडर इस टीम में रहेंगी और कुल मिला के 9वीं खिलाड़ी रहेंगी। यहां से आपके और आपके ऑपोजिशन में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं गेंदबाज, तो 2 गेंदबाज मैंने जोड़े जिसमें एक तो होगी जेस जोनासन, ठीक है। जेस जोनासन भी आप ये मानिए कि आपके 50% ओपोनेंट लेकर आएंगे। जो आपका 11वां प्लेयर है कोमल जंजर,
ये एटलीस्ट पहले मैच में आपका कोई ओपोनेंट लेकर नहीं आएगा, क्योंकि सब रेणुका सिंह ठाकुर की तरफ जाएंगे, सब राधा यादव की तरफ देखेंगे, सब पूनम यादव की तरफ देख सकते हैं, पूनम यादव की तरफ भी कमी देखेंगे। राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर आपके ओपोजिशन लेकर आने वाले हैं, मैं अभी से आपकी साइकी के हिसाब से बता देता हूँ। लेकिन आपको कमल झंझट के साथ जाना है, क्यों जाना है उसका भी रीजन समझ लीजिए। देखिए रेणुका सिंह ठाकुर का आप रिसेंट फॉर्म देखें क्या है, एक मैच जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था उसमें उन्होंने लिए थे 5 विकेट, उसके अलावा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एंड बिफोर जो ट्राई सीरीज हुई थी उसमें रेणुका सिंह ठाकुर वाज स्ट्रगलिंग फॉर विकेट्स। इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी नहीं है, फॉर्म अभी उतना बेटर नहीं है। दूसरी बात, ब्रेव ओवर में चूंकि रन बनने की संभावना ज्यादा है और रेणुका सिंह ठाकुर रिलाय ओनली ऑन स्विंग, यॉर्कर भी उनके पास उतना अच्छा नहीं है, जो T20 के वेरिएशन होते हैं स्लोअर बॉल हो गया या यॉर्कर हो गई, वो रेणुका के पास अभी उतनी बेटर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो फिर मामला अगर स्विंग नहीं कर रही है बॉल तो लैग कर जाता है इसके लिए। कोमल झंझट के पास एक्स फैक्टर ये है कि सीज द लेफ्ट आर्मर, तो एक वैसे ही नेचुरल एंगल जाता है लेफ्ट आर्मर का, हम भी लेफ्ट आर्मर है, हमारा भी जाता है। अच्छा, उसके साथ फिर अगर आप इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो ये T20 के अकम्प्लिश्ड बॉलर है, बस इतना है कि इंडिया के लिए नहीं खेली है, मौका नहीं मिला है, बड़ा नाम नहीं, लोग जानते नहीं है, सो सिलेक्शन परसेंटेज डाउन है। इसलिए कोमल झंझट कहीं ना कहीं, और राधा यादव इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर विकेट्स, एक टाइम था कि राधा यादव को गुजराम था कंसिस्टेंसी, अभी वो चीज नहीं है, तो कोमल झंझट कहीं एज पास कर जाती है और ये आपकी वो एक्सपेक्ट फैक्टर हो जाएगी जो आपका गेम निकाल ले जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी होगी पूरी टीम। अब आ जाती है कैप्टन वाइस कैप्टन कौन, तो देखिए कैप्टन एलिसा पैरी को बना रहा हूं, वाइस कैप्टन मार्जन कैप, कारण क्या है, पैरी एट 3 मतलब बैटे और मार्जन कैप एट 5 प्लस पैरी एज ए बैटर इज बेटर देन मार्जन कैप, तो बैटिंग में एज कहां है पैरी के साथ, बॉलिंग में कैप की बॉलिंग ज्यादा आएगी ये पक्की बात है, एलिसा पैरी से, एलिसा पैरी शायद 2 ओवर का स्पेल लेके आए और मार्जन कैप 4 ओवर, लेकिन वो बैटिंग से मेकअप हो जाएगा, प्लस चूंकि हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहने की संभावना तो एज बैटर को देना है, इस वजह से भी पैरी मेरी कैप्टन रहेंगी। ठीक है, तो ये आपकी होगी स्मॉल लीग। वीडियो में हमारी और आपकी बात खत्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे भी अपने क्रिकेटोलॉजी परिवार को बढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। हमारी और आपकी मुलाकात होगी ग्रैंड लीग वीडियो में, इसी मैच के वो वीडियो जरूर देखें। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता दी।